मधी सवारी शिवाजी चौका मधी गए चौका मधी सवारी शिवाजी चौका मधी गए चौका मधी। हेलो, चार धावांनी या चार धावांच्या बरोबरीने सहा धावा लागतायत त्या धाव फलकावरती। उलटा स्प्रदीज आणि त्यावरती कडा प्रहार वायडिश लॉंगॉन सीमारेषेच्या पलीकडे दर्जेदार षटकार। काय अभ्यास पाहायला मिळतो फलंदाज किरण पवारचा। फुटवर्क वरती त्याने फार चांगलं काम केलं आणि तदनंतर या मोसमात बहरात असलेला फलंदाज किरण पवार आणि त्याला रोखणं कठीण झालंय या संपूर्ण स्पर्धेत या गोलंदाजांना। आक्रमण आक्रमण आणि फक्त आक्रमण, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार। धन्यवाद डीजे। धाव फलकावरती धाव आहेत 18। पहिल्या चेंडूवरती संधी काही अंशी निर्माण झाली होती पण हप त्यांचे सुद्धा तुम्ही पकडले पाहिजेत, त्याचा परिणाम धावसंख्येवरती होऊ शकतो। अमित नाईक यावेळेस चूक करत नाही आहे, खरं तर अडकवलं गेलं फलंदाज किरण पवारला, ज्याला रोखणं कठीण होईल असं वाटलं होतं पण त्याची विकेट प्राप्त केली जाते। आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर वापर करतो गोलंदाज निवृत्ती पाटील आणि ज्या किरण पवारनं दोन सामन्यात आहाकार माजवला होता त्याची विकेट मिळते, अर्थातच ही मॅच चांगली होईल असा संकेत गोलंदाज देतोय निवृत्ती पाटील। पहिला आदरा मिळतो खरं तर आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाला, धावफलकावरती धाव आहेत 18 धावा धावफलकावरती। जरूर या षटकात गोलंदाजाने मार खाल्ला पण तदनंतर किरण पवारची विकेट हे या षटकाचं खास वैशिष्ट्य आपण पाहू शकाल। निवृत्ती पाटील किरण पवारला बाद करून या मॅचमध्ये परतण्याचं संकेत देतोय मानसी 11 गावठाण संघासाठी। खरं तर करण मडवीसारखा एक ताकदवर फलंदाज अपोजिट टीममध्ये आपण पाहू शकाल, अमित नाईक असेल, परेश ठाकूरसारखा एक फलंदाज या टीमचा हिस्सा आहे, त्याचा विचार करता धावा रोखणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो। किरण पवार बाद झाल्यानंतर आल्या पावली माघारी परततोय फलंदाज बारक्या कांबळे, बिनबाद 18 नंतर आता 2-18 आहेत त्या धावफलकावरती। धन्यवाद ही जे ऑपरेटर। धावफलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय 18 धावा धावफलकावरती। किरण पवार आणि बारक्या कांबळे हे दोन महत्त्वपूर्ण विकेट या ठिकाणी प्राप्त केलेत गोलंदाज निवृत्ती पाटील या गोलंदाजानं। दुसरा षटक घेऊन येतो गोलंदाज साईश म्हात्रे अँड फ्रॉम जासईचा हा प्रमुख गोलंदाज सारसन विलेज एंडकडून मारा करेल। हा चेंडू यावेळेस यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये येऊन विसावतोय, निर्धाव चेंडूचा खेळ संपतोय। खरं तर आज गोलंदाज या टीमचा हिस्सा होता काही काळ, बरेचसे असे खेळाडू आहेत जे एकमेकांच्या सानिध्यात नेहमीच खेळताना आपण त्यांना पाहत आलो आणि त्याचा विचार करता आपण पाहू शकाल एक चांगली मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळेल। किरण पवार बाद झाल्यानंतर या मॅचमध्ये संधी निर्माण झाली आणि त्या संधीचं सोनं करताना बारक्या कांबळेची विकेट प्राप्त केली। हा चेंडू समोरच्या दिशेने गोलंदाजाच्या थेट डोक्यावरून पण क्षेत्ररक्षक तैनात आहे,
लॉन्ग ऑफ रिजन मध्ये या चेंडूला अडवलं जात आहे। एक धाव या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या बरोबरीने सुमित आपल्या धावसंख्येचं खातं खुलं करतोय। टोटल आले धावफलकावरती 19 धावा धावफलकावरती। चौथ्या क्रमांकावरती फलंदाज अक्षय पवार मैदानावरती येतोय। खरं तर डाव सांभाळण्याची गरज आहे। या दोनही फलंदाजांकडून एक भागीदारी अपेक्षित असेल कॅप्टन कुल विशाल जितेकर यांना, कारण आपण बघतोय सुरुवातीला दोन विकेट गमावल्या। जरूर धावफलकावरती धावा 19 आहेत। गावठाण संघाचा निर्णय पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा 18 चेंडूचं एक एक सत्र आहे। 18 चेंडूवरती जर 40-45 धावा उभारल्या तर चांगली मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळेल। पण प्रयत्न असेल जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा, पण त्याही अपोजिट विचार केला तर कमी धावसंख्येत रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल साईश म्हात्रे आणि येणाऱ्या गोलंदाजाकडून। हा चेंडू खरं तर चकमा दिला जातो अक्षय पवार या फलंदाजाला। प्रतीक्षा करत होता अक्षय पवार की चेंडू वेगाने फेकला जाईल, पुढ्यात चेंडू फेकला जाईल, परंतु शॉर्ट ऑफ लेंथ पडल्यानंतर चेंडूला हातभर वलन दिलं बाहेरच्या दिशेने आणि संभ्रमात पडला। चेंडू जातो निर्धाव। धावफलकावरती धाव आहेत 2-19। शॉर्ट पिच पद्धतीचा हा चेंडू तडकवला शॉर्ट एक्षाकवरच्या डोक्यावरून। क्षेत्रक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय। डीप एक्षाकवरला या चेंडूला अडवलं जातंय। दोन धाव मात्र या चेंडूवरती मिळतात आणि या दोन धावांच्या सहाय्यानं 21 धावा लागतायत त्या धावफलकावरती। 21 धावा धावफलकावरती। एक स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन पाहायला मिळते खरे तर आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाकडे। पण त्याहीपेक्षा मी अगोदरच उल्लेख केला होता की भेदक गोलंदाजी एक खास अस्त्र आहे गावठाण संघासाठी, आणि ती गोलंदाजी फोडून काढण्याचं काम करतो हा फलंदाज अक्षय पवार त्याच्या बॅट मधून आलेला हा दर्जेदार षटकार। हॅलो, 27 धावा लागतायत त्या धावफलकावरती। 27 धावा धावफलकावरती। अक्षय पवार खरे तर नेहमीच आक्रमणासाठी प्रसिद्ध असलेला फलंदाज, आणि त्याचा फुटवर्क त्याचा स्टान्स नेहमीच बदलताना आपण पाहत आलोय। लेग बाईच्या सहाय्याने एकदा मिळते। खरे तर या फलंदाजाची क्लिप फार व्हायरल झाली, आपण पाहिले असेल कोपरच्या स्पर्धेत प्रवीण गायकर सर यांनी मला वाटतं अगदी त्यांच्या नजरेसमोर तो फटका पाहिला असेल, कारण अगोदर शफल झाला होता अक्षय पवार, तदनंतर पुढे सरसावत आपण पाहिलं असेल उसली घेतलेला चेंडू अगदी डीप मिड विकेटला भिरकावून दिला होता। ही ताकद या फलंदाज अक्षय पवारची। दोन षटकांचा खेळ संपलाय। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात 28 धावा धावफलकावरती। निवृत्ती पाटील या गोलंदाजानं पहिल्या षटकात धावा खर्च केल्या 18, या षटकात साईश म्हात्रे या गोलंदाजानं धावा खर्च केल्या फक्त 10 धावा खर्च केल्या। खरं तर आपण पाहू शकाल, पण 18 धावा दिल्यानंतर महत्त्वाच्या दोन विकेट प्राप्त केल्या गोलंदाज निवृत्ती पाटील या गोलंदाजानं। किरण पवार ज्याला वैयक्तिक 18 या धावसंख्येवरती माघारी परतवलं, तदनंतर बारक्या कामलेल्या पहिल्या चेंडूवरती बाद करून या सामन्यात बाजू भक्कम करून दिली होती, आणि ती बाजू भक्कम होईल असं वाटत असताना साईश म्हात्रेनं एक या षटकात एक षटकाराचा मार त्याला बसला आणि त्याचा विचार करता टोटल आले धावफलकावरती 28। मानसी 11 गावठाण विपक्ष प्रिशा SP 11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल। गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती येतोय ध्रुवित। ध्रुवित मात्रेचा हा चेंडू खरं तर मनसुबा होता चेंडूला पुढ्यात घ्यायचा, पण व्हेरिएशन होतं। खरं तर पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं असेल की उलट्या हाताने या चेंडूला फेकलं होतं, गती काढून घेतली आणि त्या कारणास्तव गती नसल्या कारणास्तव आपण पाहतोय फटका बदलावा लागला। अक्षय पवारला गमावी लागते विकेट। आणखी एक आदरा मिळतोय आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाला। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। धन्यवाद DJ ऑपरेटर। खरं तर आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी उभारलेलं हे स्वराज्य आहे, आणि या स्वराज्यात आपण अगदी सुखानं आणि समृद्धीनं नांदतोय। हा चेंडू समोरच्या दिशेने ताकदवार स्ट्रोक, तितक्याच वेगानं क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय। फार दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। फक्त एकच धावाने एका धावेच्या बरोबरीने टोटल आले धावफलकावरती 29। प्रवीण गऱ्हत क्रमांक
पांच वरती मैदान वरती अपन पहू शकाल। स्ट्राइकर एंड वरती उभा असेल। ध्रुवित मात्रे गोलंदाजी मार्क वरती है। स्लॉग ओवर है। आक्रमण केलं जाईल की धावा रोकल्या जातील। पण अद्यापर्यंत मोठ्या पटक्यापासून वंचित ठेवता गोलंदाज ध्रुवित मात्रे, कारण त्याने पहिल्या चेंडूवरती बाद केलं अक्षय पवार, जो स्लॉग ओवर मध्ये फार घातक ठरू शकला असता। त्याला बाद करून या मॅच मध्ये खरेतर सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय मानसी इलेवन गावठाण संघासाठी। धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात। 30 धावा धावफलकावरती पहिल्या सत्रातील 3 चेंडू बाकी आहेत। शॉर्ट ऑफ प्लेन, पण सुमित चूक करतोय। बॅलन्स अगोदरच गमावला आणि त्या कारणास्तव या खराब चेंडूवरती मोठ्या पटक्यापासून वंचित राहावं लागलं। मिश्रित गोलंदाजी करतोय, व्हेरिएशन आहे, विविधता आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो मिश्रित गोलंदाजी पाहायला मिळते। कधी वेगवान चेंडू फेकले जातात, फुलर लेंथ यॉर्कर पद्धतीचे चेंडू फेकतोय, तर कधी चेंडूमधील गती काढून घेतो आणि त्या कारणास्तव फलंदाज पडतायत संभ्रमात। अफलातून कामगिरी ध्रुवित मात्र या गोलंदाजाकडून। हा चेंडू त्रिफाला उद्ध्वस्त केला जातोय, दांडी गुल केली जाते, फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद सुमित।
पाकमारी की गेंदबाजी और सामने अमित नाइक एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। निहाल वियान एंड मैट्रिक्स ट्रॉफी जो नाइट प्रतियोगिता खेली गई थी ओवली के मैदान के ऊपर, आइकॉन के तौर पर इस खिलाड़ी ने झांसी टीम के तौर से खेलते हुए क्या बैटिंग की थी। छोटी गेंद, यहाँ पनिशमेंट तो जरूर दी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। इट्स गॉन एमआईडी, दैट्स गॉन फ्लाइडी, बिग इट मैक्सिमम छह रन। शाखा प्रमुख चषक आहे शिवसेनेचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय जितेंद्र कर्णोचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय प्रशांत पाटीलचा। थँक यू डीजे, क्या जबरदस्त शॉट ऑन पुल किया, थोड़ी सी बाउंसर थी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और इस पटकी हुई गेंद तो अंजाम दिया सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर छह रनों के लिए। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कामयाबी किसको मिलेगी, सुपर फोर में कौन जाएगा, और शिवसेना शाखा प्रमुख जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी को चूमने का सपना कौन सी टीम साकार कर पाएगी। बड़ी फाइट दोनों टीमों के बीच में चलती हुई, जीत की बात करेंगे, 33 रनों का टारगेट है और अभी भी बात करेंगे 16 बॉल 27 रनों की जरूरत है। चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर तुरंत, यहाँ से जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करण मड़वी, आपको याद है कि जो अभी खेली गई हाल ही में गौरी स्पोर्ट्स उलवे आयोजित विजय खारकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो साहिब ट्रॉफी थी 1 लाख की, वह आपके टीम को फाइनल में रात गिरी थी और प्रियांशी सैम 11 नावक टीम के खिलाफ खेलती हुई सिर्फ एक ओवर का मुकाबला हुआ था और करण मड़वी यानी कि आकाश टकले रन दिए थे, 26-27 का टारगेट था, 26 रन इस टीम ने भी बनाए थे लेकिन एक जो रन थी वो नो बॉल की थी, वहां वो रन हारी थी, वो मैच हारी थी सती स्मृति 11 गाउदेवी गावटन टीम। यहां क्या कमबैक कर पाएंगे, अमित फिर से एक बार तैयार, फुल टॉस, टेनिस विकेट की ये सबसे खराब गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा पार, मयूर बाग मेरे का ये ओवर बड़ा होता हुआ 4 रन। थैंक यू डीजे, इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 10 रन। मयूर थोड़े से अब महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए। छोटी गेंद थी, यहाँ पटकी हुई गेंद थी, अंपायर की तरफ देख रहे शक की बुनियाद की तरफ से, लेकिन डॉट बॉल की यहाँ पर हुई समाप्ति एक बाउंस का इशारा देते हुए। और देखिए बाउंसर से बचे हैं मात्र गेंदबाज, उससे पहले भी किया था बाउंसर जरूर लेकिन वहां मिली थी मार इन्हें और यहाँ थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश होती हुई 14 गेंदें बची है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। मुकाबला गर्म है, इसमें कतई संदेह नहीं है। तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद अपने फॉलोअर में रोकने के लिए दौड़ते हुए, यहाँ डायरेक्ट हिट होता तो विकेट गिर सकती थी लेकिन करण मड़वी कुछ ज्यादा ही आगे दौड़ गए थे, तब तक यहाँ से 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 11 रन। प्रति ओवर 11 की जरूरत है, 33 रनों का टारगेट है और उसका पीछा करते हुए ये ओवर में तो मयूर कहते 11 रन जरूर आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पर पहुंचते हुए करण मड़वी, मंजिल मेरे कदमों से अभी दूर बहुत है मगर तसल्ली ये है कि कदम मेरे साथ है, कदम तो दोनों टीमों के पास है लेकिन इस कदमों के बेहतरीन अंदाज से कौन आगे का सफर तय कर पाएगी। सुपर फोर शिवसेना शाखा प्रमुख ट्रॉफी 2021 में इस सारसन के नगरी पर कौन सी टीम सुपर फोर में जाएगी। हाई वोल्टेज ड्रामे, थ्रिलिंग कहानी में जबरदस्त ठोके मिलते हैं, धड़कनें तेज होती है और जिस तरीके से दर्शक मैदान में है वो दर्शक अभी भी मैच को एंजॉय करते हुए जानते हैं फाइट आखिर के क्षणों तक होगी, इसके लिए दर्शक भी घर जाने का नाम नहीं ले पा रहे। राउंड द विकेट इनसाइड आउट, अपने क्रिकेट की सौंदर्यता दिखाते हुए डीन डीप एक्स्ट्रा कवर से मारे का बाउंड लाइन के बाहर 4 रन, ओवर नंबर हुआ कंप्लीट और एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पॉजिटिव हुई 15 रन, आने वाली गेंदे होंगी 12 और 18 रनों की जरूरत। यस डीजे, विजय 15 रन ठोके पहले ओवर में, अब जीतने के लिए 12 बॉल में 18 रनों की जरूरत है। प्रसन्ना पाटिल
मैन फ्रॉम दुमरे के एक बेहतरीन गेंदबाज है। सामने चुनौती होगी अमित नाइक एकटकर और उनके सामने खेलेंगे नॉस्टा एंड पर बल्लेबाज है इस वक्त युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है गाउदेवी कैप्टन टीम की ओर से करण मड़वी। तीन मैच में 153 रन बनाए थे खिलाड़ी ने, एक मैच में 62 रन, दूसरे मैच में 62। ये जबरदस्त माउंटेन पारी ग्रामीण लॉर्ड्स में आपने देखी थी उल्वे नोड के केवी का कवाल के मैदान के ऊपर। अब देखना होगा 12 गेंदों में 18 की दूरी है, प्रति ओवर 9 रन चाहिए। प्रसन्ना वर्सेस अमित, ये लड़ाई चलती हुई। बैट के रडार में गेंद, व्हाट अ शॉट, यहां से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रन। झळणार जळूद्या पळणार पळूद्या अजून झळवायचं, माग भुकणार कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढे पुढे चालायचं, माग भुकणार कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढे पुढे चालायचं। क्या जबरदस्त बॅटिंग चलती हुई, जैसे ही गेंद स्लॉट में आई इस गेंद को फेंक दिया सारसन प्लॉट के बाहर से 6 रनों के लिए। 6 से प्रेशर थोड़ा हटता हुआ 11 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त क्रिकेट मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी काउटन टीम की ओर से खेली जा रही है। अभी भी मैच यहां से बना हुआ जरूर है। प्रसन्ना पाटिल का ये ओवर कितना इंपॉर्टेंट है ये आदर्श 11 एसपी प्रिया त्रिशा 11 टीम जानती है, लेकिन एक छक्कों के साथ मुकाबले की हवा निकालने में अमित नाइक यहां से पूरी तरह से तंदुरुस्त होते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करती हुई 11 बॉल 12 रनों की जरूरत है, एक अच्छे ओवर की तलाश या आदर्श नवीन पनवेल 11 टीम को चाहिए। फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार करते हुए, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर मारने के बाद थोड़ा सा मानसिक दबाव इस वक्त गेंदबाज प्रसन्ना पाटिल के ऊपर बनाते हुए। लगभग देखा जाएगा तो अमित के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का और करण मड़वी को आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक मिली थी और करण ने शानदार चौका बटोरा था। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया ऑफ साइड में, फील्डर डीप में जरूर मौजूद है, तब तक एक ही रन मुकम्मल। ये होते सेंसिबल क्रिकेट, छक्का आने के बाद सिंगल लेना भी जरूरी है क्योंकि डॉट बॉल खेलेंगे प्रेशर आपके ऊपर बनता जाएगा। और यहाँ छक्का मारने के बाद देखिए सिंगल दिया, जानते हैं सामने लेफ्ट हैंड बॉलर है तो सामने इनकी दिक्कतें पैदा करें लेफ्ट हैंड बॉलर को बैट्समैन को लाके। और करण मड़वी इस साल काफी टच में चल रहे और उसी अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन को यहां से लाकर खड़ा करती हुई। 10 बॉल 11 रनों की जरूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक इन पर बैट्समैन आते हुए करण मड़वी, प्रसन्ना दोनों भी यंगस्टर खिलाड़ी है, बहुत कम उम्र में दोनों खिलाड़ियों ने टेनिस क्रिकेट में अपना विश्व टेनिस क्रिकेट के विश्व में अपने नाम का डंका छोड़ा है, नाम छाप छोड़ी है और ये दोनों खिलाड़ी इस वक्त खेलते हुए। अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है और इसे एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे, 9 बॉल में अभी भी चाहिए टोटल 10 रनों की जरूरत। सोचो 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल जाएंगे तो आखिर के ओवर में यह मैच आपके लिए जरूर बना रहेगा, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा प्रसन्ना जैसे नामचीन गेंदबाज को। तो देखना होगा किस तरीके से संघर्ष कर पाएंगे, अभी भी यहां से ताकत दिखाई है बैटिंग करने वाली टीम मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी काउटा ने। छोटी गेंद पुल इज अ सक्सेसफुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रन। दो छक्के अब तक प्रसन्ना के ओवर में आते हुए, अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, छक्का खाने के बाद सिंगल आ रहे थे लेकिन प्रसन्ना की हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस हाफ ट्रैकर बॉल को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद है अक्षय पवार, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन पूरा होता हुआ, एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 30 रनों के ऊपर। गेंदे बची है 7 और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। दर्शक आहिस्ता आहिस्ता अपना घर का रास्ता नापते हुए, जानते हैं आप मुकाबला एक तरफा नजर आता हुआ लेकिन फिर भी क्या इस बाजी को पलटने में आदर्श नवीन पनवेल टीम क्या बना पाएगी। 7 बॉल 3 रनों की जरूरत, सामने स्ट्राइक पॉइंट पर बैट्समैन है करण मड़वी, खेलने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट्स, प्रसन्ना ये देखिए क्लीन बोल्ड करने की कोशिश थी, लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार दिया
और व्हाइट की मदद से एक साथ में बढ़ोतरी होती हुई और टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 31 रनों के ऊपर माफ कीजिएगा, 7 बॉल में अभी भी 2 रनों की जरूरत है। बढ़िया क्रिकेट आज दोनों टीमों ने दिखाई, मंगरपा ओमसाई अधिराज 11 वर्गर टीम भी काफी अच्छा क्रिकेट खेली, फुल टॉस थी अगेन और सुपर फोर शिवसेना शाखा प्रमुख ट्रॉफी सारसन के मैदान के ऊपर गोस टू द मानसी स्पोर्ट्स काउटन टीम सुपर फोर। वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस डीजे। हेलो, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर। खरंतर चांगला खेल मानसी 11 गावटन संघाने दाखवला आणि आपण पाहतोय सुपर फोरमध्ये प्रवेश केलाय, पण इथे मी जितेंद्र कर्णूक साहेबांना विनंती करतोय